वो अपना सा। मैं जानता था निशा ड्रामा कर रही है, उन्हें डॉक्टर निशा को क्यों फोन करे, मुझे फोन कर सकता है ना। इसका मतलब है कि वो हमें बेवकूफ बना रही है और हम बनते जा रहे हैं। मैं जानता था ये औरत तभी नहीं सुधरेगी, ड्रामा कर रही है। अब हमें निशा को रंगे हाथों पकड़ना, तभी जानवी को यकीन होगा। वो बेचारी इतना कुछ कर रही है इसके लिए। अगर ये हमारे साथ नाटक कर रही है तो हम भी इसके साथ नाटक करेंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे इसे। हम लोगों ने बहुत मेहनत से आप सबके लिए खाना बनाया है, आप लोग फ्रेशन अप हो जाइए, फिर आराम से बैठ के खाते हैं। आपके पाँव में दर्द है ना, चलिए मैं दवाई लगा देती हूँ। जरूर उस साई से मिलने जा रही होगी, आज मैं निशा को रंगे हाथ पकड़ूंगा। वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? नहीं, तुम्हारा 30 का पहला व्रत है, तुमने मेरे लिए व्रत रखा, तो मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा। गुड मॉर्निंग बेबीज। गुड मॉर्निंग पापा, आई लव यू पापा। अरे पिन्नू, पापा को पापा तो नहीं बोलना था, भूल गई तू? पापा? हाय, गुड मॉर्निंग। अरे यार, आप दोनों मुझसे इतना क्यों डरते हो? ओके, देखो आज एक न्यू डे है ना, तो आप एक न्यू फ्रेंडशिप कर सकते हो मेरे साथ। फ्रेंड्स? ओके, आप क्या कर रहे थे? पेंसिल शार्पन कर रहे थे? मैं करके दूं आपको? मम्मी बिजी है, और आप अकेले कैसे करोगे सब कुछ? पापा भी तो नहीं है ना यहाँ पे आपके? कहाँ है पापा? नीचे। हाँ, ये हमारा रूम है, आप नीचे जाइए। मैं आपका बैग पैक कर दूँ? मैं बैग पैक कर दूँ? हम कर देंगे। अरे मम्मी बिजी है, आपके लिए टिफिन रेडी कर रही है ना, और कोई है भी नहीं आपकी हेल्प करने के लिए ना, पापा भी नहीं है यहाँ पे। आप पापा को मिस करते होगे ना, रोज उनसे फोन पे बात करते होगे। क्या हुआ निशा? कुछ नहीं। दीदी जल्दी आओ, तुम सब तैयार हो गए? जी, दोनों खुद से तैयार हो गए और बिल्कुल टाइम पर। काकी माँ, मुझे आने में लेट होगा। हाँ ठीक से जाना। क्यों? I mean, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पग फेरे के लिए जा रही हूँ निशा, इसलिए छुपाना पड़ रहा है। वो एक्चुअली बच्चों की बुक्स लेनी है मुझे, और फिर उसके बाद मंदिर में जाना। ठीक है, आराम से हो आना। जी। काकी माँ, काकी माँ, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। ये जानवी की डॉटर्स मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती हैं? इतना डरती क्यों है मुझसे? बच्चों का मन बहला सकते हैं, बहका नहीं सकते निशा। वो दिल के सच्चे होते हैं, वो बहुत जल्द तुमसे भी घुल मिल जाएंगे। जानवी, माफ कर दो मुझे। तुम्हारे साथ और हमारे बच्चों के साथ जो खूबसूरत जिंदगी बिताने का वादा किया था, उसे निभा नहीं पा रहा हूं। मजबूर हूं, तुमसे दूर रहना सजा है मेरे लिए। But trust me, मैं जो कर रहा हूं वो हमारी आने वाली खुशियों के लिए कर रहा हूं। ये अच्छा है, so convenient। पहले गलती करो और फिर बोलो मैं हमारे लिए कर रहा हूं। अपनी बच्चियों को बहुत मिस करता हूं, उनके मुंह से पापा सुनने के लिए तरसता हूं। आई होप वो दोनों मुझसे नाराज नहीं है। उनसे कहना कि उनके पापा उनके साथ जल्दी होंगे,
रोज रात को उन्हें कहानियां सुनाएंगे। एक दिन हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहेंगे। और कोई हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुमसे बस थोड़ा वक्त चाहता हूं। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसिंग यू, ना मिस जिनी भी नहीं, तुम्हारा भी। शर्म नहीं आती आपको शादीशुदा औरत को छेड़ते हुए? वैसे पति का तुम्हारा नजर नहीं आ रहा। वो ना आपकी तरह दूसरों की बीवी को नहीं छेड़ते, काम पे जाते। बुद्धू है बुद्धू, खूबसूरत पत्नी को छोड़ के कोई काम पे जाता है क्या? जमाने का क्या भरोसा? उन्हें मुझ पर और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। देखिए कितनी अच्छी प्यार की निशानी भेजी है। ब्यूटीफुल ना? लल्लू है। तुम्हारे पति को मौके का फायदा उठाना ही आता। आओ मैं पहना। एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ मत बोलिए। ओके, वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है वो। मेरे मन की बात झट से जान लेते हैं, कब मैं अपसेट होती हूँ, कब मैं खुश होती हूँ। एंड मुझे खुश करना बहुत अच्छे से आता है। एक बात बताइए, आप कब से ये बातें गोल गोल घुमा के करने लगे मिस्टर जिंदल? यार जब बीवी से मिलना इतना मुश्किल हो जाए तो बातें गोल घुमानी पड़ती। इसे बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन जब आपने अभी कहा ना, मैं समझ गई थी कि सब आपने किया। अच्छा, समझ गई थी। चलो फिर मैं रिटर्न गिफ्ट दो। कहिए, अभी यही रहते हैं जानवी के हस्बैंड? हाँ, पर आप क्यों? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, बहुत जरूरी। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो जानवी को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है। जानवी और जानवी के बच्चों को क्यों नहीं रख सकते अपने पास? चार दिन पूरे हो गए हैं और 75,000 रुपए हमारे हाथ में नहीं आए। अगर पैसे देने होते तो अब तक आ जाना चाहिए थे लोग। और जैसे ही आएंगे ना, तुम्हें तुम्हारा किराया मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं भी। तुझे पता है तुम उससे झूठ नहीं बोल सकती है? पता क्या बात है कबीर? व्हाट अबाउट हिम? भी वो कहता रहता है दैट ही लव्स मी, ही लव्स मी, और मैं उसे रिजेक्ट करती रहती हूँ। हाँ तो तू उसके प्रपोजल को कंसिडर क्यों नहीं करती? सुनेगी हमको दर्द हो रहा है तो दौड़ के आ जाएगी, दौड़ के आएगी उसको भी मोच लग जाएगा। छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती है, उनको परेशान करना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं, जो तुम बोल रही हो वो सही भी है, लेकिन आप क्या करें? किसे बुलाए? किसी को मत बुलाइए, आप है ना हमारी दर्द का इलाज। आप बैठिए इधर, हम ठीक हो जाएंगे। सुप्रिया की बहू के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। चाची आप एक मिनट में रहिए बाबू, मैं व्यास मैंशन में काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम नागेश की बेटी हो, देवसु गांव के हर सदस्य को धोखा दिया है तुमने। इस लड़की को दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि बाजीराव इस लड़की का पति है तो ये लड़की मेरी बहू हुई।
इसीलिए ये दंड इसके साथ मैं भी भुगतूंगी। मेरा ये दंड तभी पूरा माना जाएगा जब बाजीराव देवसु के सेठ जी को खुद अपने हाथों से पत्थर मारे।